सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को एंड जोहार सभी को। जैसा कि सभी को मालूम होगा कि जो भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए थे, जो अभी झारखंड प्रोनॉमिक्स प्रतियोगिता परीक्षा, शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला था जनवरी में, उसमें माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि आप सीटेट को बाहर नहीं कर सकते। अब सीटेट पास जितने भी अभ्यर्थी हैं वो झारखंड से बाहर या भारत के किसी भी कोने से हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए JSSC ने नोटिस जारी किया है, जो भी बहुत कम समय दिया गया है आपको ऑनलाइन करने का। देखो, मैं आपको ये PDF पढ़कर सुनाता हूँ। जितने भी हमारे झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थी थे या भारत के किसी भी कोने के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, वो फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं, जिनको सिर्फ 19 तारीख से लेकर 26 तारीख तक डेट दिया गया है अप्लाई करने का। मैं PDF पढ़कर सुनता हूँ, आप ध्यान से PDF को ध्यान से सुनना। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/23। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या इतना झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य सूरज बिहारी मंडल एवं अन्य बनाम राज्य एवं मोतीलाल लायक अन्य बनाम राज्य .. को पारित न्याय देश के अनुपालन में झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, से उपरोक्त परीक्षा अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि निम्नवत निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन की तिथि दिनांक 19 से लेकर 23/1 मध्य रात्रि तक, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको आज से लेकर 23 तारीख तक, मतलब वो 4 दिन दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। परीक्षा शुल्क पेमेंट का शुल्क दिया गया है 24 तारीख लास्ट तक, आप उसका परीक्षा शुल्क पे कर सकते हो। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड की तिथि 25 तारीख, मतलब आप पहले रजिस्ट्रेशन करो, पेमेंट करो और फोटो अपलोड करने का 25 जनवरी लास्ट डेट है। एंड समर्पित ऑनलाइन आवेदन की संशोधन की तिथि, फिर से आकर आपको करेक्शन करना होगा, तो इसकी तिथि जो है वो है 26 जनवरी। टोटल आपको 19 से लेकर 26 जनवरी तक समय दिया गया है। इस बीच आपको सारा ये फॉर्म डिटेल्स फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो फिर से मैं बोल दूँ, झारखंड जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं एवं झारखंड से बाहर सीटेट पास अभ्यर्थी है, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 26,000 पे पोस्ट भी बहाली निकाली गई है। पूरा वैकेंसी का ब्यौरा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दे दूंगा, तो फॉर्म अप्लाई करें जल्द से जल्द। ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।